नमस्कार, मैं आपका दोस्त जाहिद। आज हम पुरा के इलाके में आए हुए, यहाँ पे हमारे साथ बहुत सारे ऐसे आवाम जुड़ रहे हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे इस बार बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो मेरे साथ में एक चाचा है, जानते हैं बिहार में किसकी सरकार लाना चाहते हैं और सरकार से नाराज हैं या खुश हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। परमानंद यादव जी। यादव जी, आप ये बताइए कि बिहार में किसकी सरकार लाएंगे? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव को लाइएगा, क्यों लाइएगा? ठीक है, गरीब के लिए अच्छा सरकार है। नीतीश कुमार को क्यों नहीं लाएंगे? सबको रंडी बना दिया नीतीश कुमार, वहन सरकार ले जाए। वो अपना जात को नौकरी देता है यार, परवीन जात आप सबके दिखवाड़ में गया। बिचारी बाजार को कोई वैल्यू है? कौन कौन जात? इतना नाव के हैं दादा, हुआ मुस्लिम हुआ कानू हुआ और जो जाता है आदि सब को वैल्यू नहीं है यार। इससे आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? नाराज है सरकार, दलिदर बना दिया हम लोग, कारखाना बंद कर दिया, इतने लोग मिलता भी काम चालू रहता। अच्छा, मान लीजिए कि आपका ये वीडियो नीतीश कुमार देख रहे हैं तो क्या कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे, वो सरकार लाइक नहीं है। गरीब लोग यहाँ भूखे घर में मर रहे हैं, तो घर में बैठना तो कम करें, परिवार में लोग कैसे जिए? सरकार हम जहाँ काम कर रहे थे, पांच परिवार वहाँ से खा रहे थे, जी रहे थे, काम बंद हो गया, तब क्या खाए? सरकार कितना राशन देगा? इससे पूर्ति होगा 10 परिवार को? राशन आदमी खाने वाला है तो इस बार किसको लाएंगे? तेजस्वी यादव। चलिए, इनका कहना था कि बिहार में तेजस्वी यादव को लाना चाहिए। बहुत ही जोन आवश्य एक तरह से ज़िंदगी काट रहे हैं, जैसे कि बहुत ही प्रॉब्लम में हम लोग का ज़िंदगी चल रहा है। कुछ सही हम लोग को नहीं लग रहा है कि ये सरकार से हमको कुछ फ़ायदा हो रहा है। ऐसा सरकार को हम लोग नहीं चाहते हैं कि इस बार फिर से ये सरकार जीते। हम लोग सोचते हैं कि ये सरकार ही हट जाए, इससे पहले जो सरकार थे वो सही थे और ये हमको सही ना लग रहा। कितना परेशान है, मैं जब भूखल मर रही है ना, भूखल दुखल रह गए, छुच्छा रुखा खा के रह रही है ना। सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से रुपा रुपा चाहिए, और की चाहिए? रुपा तो मेहनत करने के बाद मिलता है ना। मेहनत करते हुए पर अभी लोग का पेट नहीं भर रहा, जगह रोजगार नहीं है, अखन मिल रहा है तो कौन काम कर रहे? पाँच किलो राशन मिल रहा है आपको? हाँ, पाँच किलो राशन मिले। तो फिर कह रहे पैसों चाहिए, राशनों चाहिए? हाँ, तब राशन से की हो वाला है, बाहर ही ले वाला है। बताइए कि बिहार में इस बार किसकी सरकार बननी चाहिए? बिहार में इस बार एनडीए की सरकार बननी चाहिए। एनडीए की सरकार, देखिए हम लोग जो है बहुत दिन तक रहे साथ आरजेडी के साथ, अभी भी कोर वोटर जो है मुस्लिम वोटर था उन्हीं का माना ठीक, लेकिन वो 15-20 साल में लगातार हमको डेवलपमेंट के डेवलपमेंट में कुछ नहीं मिला। अभी भी मेरे यहाँ जो है आरजेडी के एमएलए, लेकिन क्या वर्क है मेरे यहाँ? कोई इसका डेवलपमेंट नहीं नज़र आ रहा। ये देखिए सामने में जलाशय है, पूरा भरा हुआ गंदा है। ये भी प्रधानमंत्री जो है स्वच्छता अभियान का, ये यहाँ पे देखिए क्या नज़र आ रहा है? नहीं पानी निकलने का व्यवस्था है, नहीं जो है नदी नाला जो है सब पैक। अगर नाला ही बनना है तो एक एक जो है मेरे समाज को कम्प्लीट नाला दिया जाए, जो कि जा करके बाहर कहीं एग्जिट में वहाँ पर जाए और मेरा पूरा समाज क्लियर। ये नहीं कि नाला बना करके या और कोई बना करके, प्राइमरी सॉल्यूशन इसका नहीं था। आपने ये कहा कि इस बार जो है बिहार में एनडीए की सरकार आनी चाहिए, तो आपको लगता है कि मुस्लिम वोट बैंक एनडीए की तरफ जाएगा? जाए, मुस्लिम वोट बैंक एनडीए की तरफ ही जाए। हाँ, बीजेपी से खिलाफ हैं, लेकिन जो एनडीए का अपने यहाँ पॉलिसी है वो जो है मतलब सपोर्टिंग, सबके लिए सपोर्टिंग, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो या और अदर कास्ट हो, बैकवर्ड हो फॉरवर्ड। अच्छा, ओबीसी की पार्टी अगर यहाँ से इलेक्शन लड़ती है तो आप उसको क्या कहेंगे? नहीं, ओबीसी की पार्टी अगर यहाँ पे इलेक्शन लड़ती है तो उनका कोई यहाँ पे डिस्टेंस नहीं है। अभी उनको आने में टाइम लगेगा, जब वो यहाँ के हर चीज़ को देखेंगे, यहाँ पे कुछ काम करेंगे, यहाँ पे विकास का कोई काम करेंगे, यहाँ के मतलब परिवेश में उनको आना पड़े जिताएंगे नहीं।
जिताएंगे तो वो तो आदमी वर्क पे जीतता, कोई पार्टी डायरेक्ट आकर के कहीं नहीं जीती। उसको एक बेस तैयार करना पड़ेगा, जिस बेस के तैयार करने के ऊपर हो सकता अगली बार।